Good morning, dear friend. Today we are going to start the next part of the lesson. First, that is the Earth being our solar system. Solar mandal mein prithvi jo hai hamara grah hai, uske bare mein study kar rahe hain. Hum study kar rahe the the moon, Earth natural satellite, jo ki prithvi ka jo hai ek prakritik grah hai. Kaun sa? The moon. ठीक है, चंद्रमा. और काफी बातें हमने इसमें स्टडी कर ली थी. पेज नंबर 205 में हम आए हुए थे. व्हाइल मूविंग अराउंड द अर्थ द मून अपीयर इन डिफरेंट स्टेज साइज एंड पोजिशन. ये क्या है कि जो पृथ्वी की तरह है, हम ये हमारे क्या है अर्थ है नाउ मून यहाँ पे है. ठीक है, क्यों करेंगे.
इसी पार्ट में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, मंगल ग्रह को जो है रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेड प्लैनेट, ठीक है, लाल ग्रह बोला जाता है। बिकॉज इट एज्यूम ए ब्रिक लाइक कलर इन द नाइट स्काई, क्योंकि रात में इसको ईट ब्रिक, ब्रिक क्या होता है, ईट होती है, ठीक है, ईट जैसे लाल रंग वैसा इसका जो रंग है वो हमें दिखाई देता है रात्रि के अवकाश में या रात के समय। इट्स बीन ऑन इट्स एक्सिस इन वन डे, ये एक दिन में अपने ध्रुव के ऊपर, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर एक चक्कर पूरा करता है एक दिन में। इट टेक्स 87 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये है 687 दिन लगाते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों जो चक्कर लगाता है भाई, तो उसमें ही 687 दिन जो है लगाता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में। इट हैज टू सैटेलाइट्स, इसके दो ग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह था कौन सा, मून, ठीक है, इसके कितने उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं जिसका नाम है डेमोस एंड फोगोस, ठीक है, डेमोस और फोगोस जो है वो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 206, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारा जुपिटर। इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 9 hours and 56 minutes, यह अपने ध्रुव के ऊपर एक चक्कर जो है 9 hours 56 minutes में लगा देता है, बस सिर्फ 9 hours 56 minutes लगते हैं इसको अपने ध्रुव के ऊपर चक्कर लगाने में। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 12 years, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो पूरा करता है ये सूर्य सन है, ठीक है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है ये कितने साल में लगाता है, 12 years, 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है ये, जैसे कि पृथ्वी है वो 365 दिन में, 365 दिन का हम एक साल मानते हैं, तो ये 12 से मल्टीप्लाई करो 365 को, और कितने दिन का समय लगता है ये सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। इट हैज 67 सैटेलाइट्स, ठीक है, इसके 67 उपग्रह हैं, 53 कंफर्म्ड हैं, 14 अनकंफर्म्ड हैं, जो जिसके बारे में कंफर्मेशन है, फुली कंफर्मेशन है, वो है 53 और 14 ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, एक आइडिया है कि 14 हो गए तो टोटल कितने हो गए, 67, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हमने जुपिटर किया, ठीक है, और साथ में मार्स और मून के बारे में जो कुछ टॉपिक बचा हुआ था वो हमने किया, ठीक है, मून वाले ने नील आर्मस्ट्रांग ने दे रखा है जो चांद पर जाने वाला सबसे पहला यात्री था,